तो गाइज ये वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। जो वीडियो तुम लोग अभी जस्ट क्लिक किए उस वीडियो पे, हाँ ये रिसर्च के लिए वीडियो है, ठीक है। एंड गाइज रिसर्च के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। एंड गाइज वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, कुछ भी मिस मत करना, ठीक है। एंड गाइज बता दूँ तुम लोग को, ये वीडियो पॉइंट वाइज एक्जैक्टली नहीं होने वाला कि यार प्रॉपरली नहीं ये वीडियो बनाया। मैं एक्जैक्टली जस्ट बैठा हूँ यहाँ पे एंड वीडियो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया और बोलना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। जो मेरा दिमाग में आएगा बोल दिया, बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। एंड इसलिए बता रहा हूँ गाइज, बहुत लोगों को ये वीडियो बकवास लग सकता है, ठीक है। जिसको बकवास लगे मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, लीडर भाई ये बकवास वीडियो होता है यार, मत डालो इस वीडियो, ठीक है। मैं तुमको बता दूँगा, ऐसे देखो रिसर्च का क्या काम होता है, पता तुमको रिसर्च का काम होता है, मतलब जो तुम्हें पता है पहले बता दो, इंट्रो दे देता हूँ, ठीक है। रेशर किस तरह का काम करता है, रेशर का काम होता है रश करना, ठीक है। रश करना कि जब तुम्हारे टीममेट्स हैं उनको डैमेज करते, सामने टीम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया या फिर एक आध नॉक ले लिया है, तब तुम्हें रश करना होता है। सही टाइम पर रश करना होता है, अच्छे से रश करना होता है, प्रॉपरली करना होता है, ठीक है। और बता दूंगा रिसर्च का काम ये भी होता है कि वो थोड़ा अपना फायर पावर को और इंप्रूव करे, ठीक है। क्योंकि रिसर्च का फायर पावर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है टीम के लिए, ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना, मतलब तुम्हारा जो रशर है वो की क्लोज में जाकर अच्छे से फाइट करता है, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ यार, तुम लोग तुम मेरे टीम का रशर हो क्या? हाँ ऑफकोर्स रशर हो, तभी तो वीडियो देख रहे हो तुम, तभी तो तुमने क्लिक किया भाई। एक चीज़ तुम्हें बताऊँ यार, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है कितना ज़्यादा है टीम में। अगर तुम रहते हो ना तब तुम्हारी टीम को ना मतलब एक अलग ही जोश रहता है, ठीक है। तुम्हारी टीम को ना एक अलग ही मतलब रहता है कि हाँ उम्मीद रहता है यार मेरा रशर मेरे साथ अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो प्लीज़ यार नॉक होने से पहले ये सोच के खेलना, खेलने से पहले, ठीक है। यार मैं अपनी टीम का ना मतलब वो लंग वाला टाइप, लंग्स जानते हो, लंग्स जो होता है फेफड़ा से बोलते हो, यहाँ से रेस्पिरेशन वगैरह होता है, वो वाला पार्ट हो तुम्हें रश टीम के, ठीक है। और बता रहे हो तुम्हारे इधर पे ना तुम्हारी टीम FIC में क्वालिफाई भी कर सकती है। हाँ यार तुम्हारे इधर पे कह रहा हूँ, रशर बनो ना तो ऐसा बनो कि मतलब पूरी फ्री फायर में कोई ना हो, ठीक है। एवरेज बने कोई फायदा नहीं है, ओके। तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। बुरा लग सकता है बट सुनो, ट्राई करो। अगर तुम बेस्ट है तो बेस्ट बनने का ट्राई करो, ठीक है। बेस्ट कहाँ बनकर पता है, मैं कल से मतलब ना प्रैक्टिस क्लिप स्टार्ट करवाने वाला लाइफ है, ठीक है। तो सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे बता रहा हूँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। एंड प्लीज़ यार बता रहा हूँ, अगर तुम रशर हो ना तो बेस्ट करके दिखाओ, पूरी कम्युनिटी में बेस्ट कर सकते हो क्या, बता दो मुझे, कर सकते हो तो मैंने मुझे बताओ ना यार, क्या तुम पूरी फ्री फायर कम्युनिटी में सबसे बेस्ट रशर हो, हाँ या ना? अधिकतर लोग बोलेंगे नहीं है यार। अरे नहीं तुम हो यार, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुमको लग रहा है कि तुम नहीं हो, मैं बता रहा हूँ तुम लोग रशर हो, बेस्ट रशर हो यार। अगर मैं तुमको भेज दूँ ना डिलीट के सामने, तुम मतलब 7 राउंड का कस्टम करा दो ना, तुम उसमें से 1 राउंड मार ही लोगे, ऑफकोर्स मार लोगे, ठीक है। वो माइंडसेट बस चाहिए गाइस, बता रहा हूँ, ठीक है। तुम बेस्ट हो यार, समझने का ट्राई करो गाइस, तुम रशर हो ना, तुम्हें जो 10-15 किल निकालोगे ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है। और तुम ट्राई करो यार प्लीज़ यार, अपने टीम का ना मतलब कोऑर्डिनेशन बिठाने का ट्राई करो, बिल्कुल भी लाइजन की बात सुनो। एंड और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे कुछ है नहीं रिसर्च के लिए, ठीक है। और रिसर्च के लिए नहीं, किसी भी के लिए भी टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे कोई चीज़ एग्जिस्ट करते ही नहीं है, ठीक है। तुम्हें देखो खुद से नॉर्मल खेलना है बस, तुम्हारा रोल तुम्हें पता है, तुम ऐसा रश हो, तुम्हें कब रश करना है ना, तब सामने वाली टीम डैमेज हो जाए, तब तुम्हारा IGL बोले, ठीक है। IGL की बात ध्यान से सुनो और कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। IGL की बात ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेशन बनाओ, अपना फायर पावर इंप्रूव करो, ठीक है। और देखो बात आज करेक्टर्स किसी बहुत बंदे सोच के आएंगे कि यार कुछ करेक्टर्स किस मिल जाएंगे अच्छे वाले, मतलब करेक्टर कॉम्बिनेशन वो यूज़ कर लूँगा, अच्छा रशर बन जाऊँगा। बता रहा यार जो तुम्हें अच्छा लगे ना जो करेक्टर वही यूज़ करो, तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें करना है करो, बट प्लीज़ बेस्ट करके दो अपनी टीम को, ठीक है। अपने IGL को भी निराश मत करो, ओके। मैं फील कर सकता हूँ गाइस हर एक चीज़, ठीक है। प्लीज़ यार ये वीडियो बकवास लग रहा होगा, वीडियो को तुम लोग जो कुछ भी है प्लीज़ मेरे समझने का ट्राई करो, भावना होगा, ठीक है। मैं कहना बस ये चाहता हूँ, अगर तुम रशर हो ना यार, तुम कर सकते बहुत कुछ कर सकते हो यार। तुम्हारे पास ना सबसे ज़्यादा तुम्हारे चांसेस मिलते हैं तो बंदों को मारने का, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस तुम्हारे पास रहते हैं बंदों को मारने का, तुम्हें पूरी छूट रहती है, तो अपनी टीम का मतलब वो खुला सांड बनो, ठीक है। जहाँ घुस जाओ फाड़ के आओ सीधा, ठीक है। सीधा जहाँ घुस जाओ मतलब करके दिखाओ यार, ऐसा 1v4 1v3 तो कुछ ऐसे कोई देखो दिक्कत नहीं है कि रशर के लिए रिक्वायरमेंट्स है, 1v3 करना ही पड़ेगा, 1v3 1v4 करना हमेशा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कभी कभार क्लचेस सिचुएशन वैसा रहता है तब जाकर बंदे 1v4 मार पाते, नहीं तो किसी को भी ना मतलब 4 बंदे में भेज रहा हूँ मार के दिखा तो मान जाऊंगा मैं, इतना हलवा तो रही है 1v4 मारना, ठीक है। बट सिचुएशन कभी कभार रहता है कि 1v4 निकल जाता है, हालांकि नहीं यहाँ पे स्किल्स भी मैटर करते हैं, जो 1v4 मारे वो भी ऑफकोर्स बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, तभी तो वो मार पाया है। बट यहाँ पे समझो 1v3 1v4 के लिए उतना ज़्यादा फायर पावर की मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं कि तुम्हें यार बनना ही पड़ेगा, वो क्या बोलते हो एक था ना अश्वत्थामा, तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है, अश्वत्थामा। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा गेम सेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, तुम ऑफकोर्स 1v3 1v4 मार पाओगे। एंड थोड़ा सा यार और कोऑर्डिनेशन बनाएंगे ट्राई करो टीम के साथ, ठीक है। और बेस्ट करो अपनी टीम के, ओके। और बेस्ट को तो टीम को रिप्रेजेंट कर सकते हो यहाँ पे। एंड मैं कह रहा हूँ यार करके दिखाओ, क्या ही बोलो तुम लोग को, मैं समझ रहे हो ना मेरी बात, ध्यान से रशर जो को भी देख रहे वीडियो यार प्लीज़ अपने IGL को बिल्कुल भी तुम लोग मतलब निराश मत करो, ओके। एंड यार प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तुम्हारा IGL, ठीक है। और IGL अगर अच्छा नहीं है तो फिर तुम्हारी टीम का जो कुछ भी वो तुम्हारा, अगर कुछ पर्सनल मैटर्स वो अलग है, बट अगर तुम्हारे सब कुछ मिल रहा है ना, तुम्हारे गेम प्ले अगर कहीं ना कहीं तुम्हें लग रहा है तो मिसिंग हो, तो यार करके दिखाओ, ठीक है। चाहे ट्राई करो गाइस, बताओ एवरेज मत बनो, ठीक है। जो कोई भी देख रहे हो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो देखने के बाद कुछ लोग तो ऐसे बने जो कि यार हमारे उस लेवल का प्लेयर में ऐसा मोटिवेशन आ सकता है यार, तुम ध्यान से समझेंगे ट्राई करो यार, जो सबसे बेस्ट बनो, ठीक है।
या तो सबसे खेलो ही मत, छोड़ दो खेलना, ओके। तुम इतना टाइम दे रहे हो फ्री फायर खेलने में, इतना स्पोर्ट्स में, तो यार तुम्हें बेस्ट करना पड़ेगा ना, हैं? नहीं तो फिर इतना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा ही नहीं है, फिर तो छोड़ दो ना खेलना फिर। या तो बेस्ट करके देखो ना, तो खेलना छोड़ दो, फिर तुम्हें कोई फायदा नहीं है, ओके। और बेस्ट बनना है ना, तो तुम्हें बेस्ट जैसे काम करना पड़ेगा, बेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? और बेस्ट प्रैक्टिस पता है कहाँ करो? कल से लाइफ में करो तुम लोग, मैं कल से स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो रेडी रहना गाइस। और यहाँ पे गाइस एक बंदे को शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, एक सब्सक्राइबर अपना एंटरटेनमेंट क्रेजी नाम का, ठीक है? वो बंदे हमें 80 प्लस कस्टम्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि हम लोग कस्टम फ्री स्क्रिम्स करवा सके, ओके, फ्री प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स करवा सकूँ मैं, लेकिन मैं कल से करवाने वाला हूँ 6 बजे से, तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना याद से, ठीक है? वही कह रहा था मैं, गाइस समझ रहे हो ना, मतलब प्लीज़ यार, वीडियो में इतना ही मिलते नहीं वीडियो में, बट या वही लास्ट टाइम वही बोलूँगा, प्लीज़ गाइस समझने का ट्राई करो, बेस्ट बनो, ओके, नहीं तो खेलना छोड़ दो, इतना ही बोलूँगा, ठीक है? तो फिर बंद कर दो वीडियो, ओके।